हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय फैशन एंड लाइफस्टाइल। सो आज का व्लॉग तो आप देख थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। तो मास्क थोड़ा नीचे कर लेती हूँ। तो आज का व्लॉग आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि किस चीज़ के हैं। तो जस्ट वही था कि कल है राखी और हम लोग जा रहे हैं अभी राखी लेने के लिए, और आज मेरा ऑफ है। तो आज की शॉपिंग मतलब कल की शॉपिंग हम लोग अभी ही कर लेते हैं, तो इसलिए हम लोग मैं जा रही हूँ अभी मम्मी के साथ राखी लेने के लिए। ये व्लॉग अभी स्टार्ट हो रहा है, तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा सा ही होगा, क्योंकि आज मॉर्निंग से मैंने कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी इसलिए। तो बस छोटा सा व्लॉग रहेगा ये, तो आप लोग इसे एंजॉय करिएगा। तो चलिए चलते हैं, हम मिलती हूँ मैं आपसे शॉप में। और ये देखिए वियान भी रेडी हो के, मतलब मैं रेडी हो रही थी तो वो बोलता मासी मैं भी चलूँगा, तो वो भी रेडी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। तो चलिए चलते हैं राखी लेने के लिए। आप लोग की शॉपिंग हो गई है या नहीं है मुझे कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि मेरी शॉपिंग होने की थी, मेरा ऑफ आने का था। एक्चुअली वीक ऑफ दो बार कैंसिल हो गया मेरा, सो फाइनली मुझे सैटरडे को मिला है, मतलब आज मिला है, और संडे की राखी है मतलब कल राखी है। सो फाइनली छुट्टी मिली है, तो मॉर्निंग तक का जितना भी काम था वो कर लिया आज। एक्चुअली बहुत काम था, सो एक तो घर का भी काम शुरू है तो उसका भी देखना पड़ रहा था इसीलिए। तो फाइनली अभी थोड़ा फ्री हुई हूँ, तो अभी मैं मम्मी के साथ जा रही हूँ राखी लेने के लिए। तो मैं वियान को दिखाती हूँ, देखो कैसी रेडी है। कहाँ जा रहे हो वियान आप? कहाँ जा रहे हो? मौसी के साथ जा रहे हो? मौसी के साथ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो आप मौसी के साथ? कहाँ जा रहे हो? चलो चलो धीरे धीरे आओ। ये देखिए फ्रेंड्स कितना पसारा सा है, और एक्चुअली घर का काम शुरू है तो बस उसी का ही था। बच्चे लोग खेल रहे हैं, वियान रेडी है, वियान की मासी भी रेडी है, नानी वियान की आ रही है, हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, तो अभी हम जाने वाले हैं घूमने के लिए। तो चलो वियान गाड़ी पे, चाबी कहाँ है अपनी? चाबी कहाँ है? बच्चे लोग खेल रहे हैं यहाँ पे, देखो ये इवनिंग का समय है, बच्चे लोग कैसे खेल रहे हैं। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे शॉप में राखी। सो हम लोग पहुँच गए हैं शॉप में, और हम लोग ज़्यादा दूर नहीं गए थे, घर के पास में ही थे, मतलब ज़्यादा दूर नहीं था क्योंकि बिहान हमारे साथ में था, और मतलब अभी कोविड की वजह से भीड़ थोड़ा अवॉइड करना था, भीड़ अवॉइड करके रखना ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि वियान साथ में था और उसकी सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी थी, इसलिए हम लोग घर के पास वाले ही शॉप में गए थे। सो देखिए वियान किस तरीके से अपनी राखी को सेलेक्ट कर रहा था, वो देख रहा था सारी राखियों को और बोल रहा था मासी ये चाहिए ये चाहिए, ये भी अच्छा ये भी अच्छा ये भी अच्छा, ऐसे कर रहा था। उसका एक डायलॉग है, ये अच्छा और ये गंदा छिछी, तो वो बोल रहा था ये भी अच्छा ये भी अच्छा ये भी अच्छा। सो वो बहुत मतलब खुश हो रहा था मतलब राखियाँ देख के। सो और उसका ऐसा है कि जहाँ मैं तैयार होती हूँ जाने के लिए तो पहले रेडी हो जाता है। सो मम्मी अभी सारी राखी फाइनल कर रही है, और फाइनल करने के बाद देखो हमारा मतलब रेडी हो चुका है, जो हमारा सामान हमें मिल रहा है। बट हमें सिर्फ मतलब नॉर्मल राखी हम लोग ने ले चुके थे, सिर्फ विहान और हनी की राखियाँ नहीं मिली थी, उनको कार्टून वाली चाहिए थी और वहाँ पे उतनी वैरायटीज़ नहीं थी, इसलिए हम थोड़े दूसरे शॉप में आ गए थे, वो भी घर के पास ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। और सो हम लोग वहाँ पे गए और वहाँ पे उसने अपनी चॉइस की राखी लिया विहान ने, और हनी के लिए भी उसी ने चॉइस किया था, तो हमने भीम की राखी लिए थे उसके लिए, भीम चुटकी ये इसकी राखी थी। सो बहुत पसीना पसीना हो गए हम लोग, फाइनली हमारी शॉपिंग हो गई है, अभी हम निकल रहे हैं घर के लिए। सो मिलती हूँ मैं आपको घर पे। और ये बयान देखो पूरा पसीना पसीना हो गया है, पूरी गाड़ियाँ देख रहा है आते जाते हुए रास्ते की, हाँ पूरी आते जाते रास्ते की गाड़ियाँ देख रहा है बयान, है ना? कितनी गाड़ियाँ गई बयान यहाँ से अभी? कितनी गाड़ियाँ गई यहाँ से? कितनी गाड़ी गई? चलो
राखी हमारी लेके हो चुकी थी विहान एंड हनी की, एंड मम्मी अपने लिए चूड़ी देख रही थी, तो विहान भी मम्मी के लिए चूड़ी सेलेक्ट कर रहा था, क्योंकि ऐसा होता है ना जब भी हम राखी लेने जाते हैं हर साल तो मम्मी अपने लिए चूड़ियाँ ज़रूर खरीदती है, क्योंकि मम्मी बहुत एक्साइटेड होती है राखी के लिए। और मम्मी मतलब मम्मी राखी की शॉपिंग बहुत इंजॉय करती है। सो अभी फाइनली हमारा कंप्लीट हो गया था पूरा, और हम लोग मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग में नहीं जा पाए थे, मतलब दिन में नहीं निकल पाए थे क्योंकि बहुत काम था हमको इसीलिए। सो हम लोग इवनिंग में गए थे शॉपिंग के लिए, और फाइनली हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है। और फ्रेंड्स मैं अभी इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ, टाइम हो रहा है रात का 2 बज रहा है। सो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी होंगी ये मुझे कमेंट्स में बताना, और आप लोग ने कब शॉपिंग किया था ये भी मुझे कमेंट्स में बताना। और देखिए विहान की मस्ती, जो हम लोग गए थे शॉप में तो वो किस तरीके से मस्ती कर रहा था, मतलब वो बोल रहा था मासी मुझे नीचे छोड़ दो, और वो अपना ही मस्ती कर रहा था, बहुत इंजॉय कर रहा था वो। और ना मतलब उसको बाहर घूमना बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली 2-3 दिन से उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, बट अभी उसका मूड थोड़ा फ्रेश हो गया था तो वो बाहर घूम रहा था। ऐसा हमारा था शॉपिंग का। आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताना, और ये वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट्स में बताना, और अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय साई राम। तो अभी हम निकल गए हैं घर के लिए, और फिर ये वीडियो कंटिन्यू रहेंगी, मैं कल मॉर्निंग की वीडियो बताती हूँ, तो इसे मैं अभी यहीं स्टॉप करती हूँ, कल की वीडियो में कल शेयर करूँगी, और इसे मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। अगर इसे मैं कंटिन्यू करूँगी तो ये बहुत बड़ी हो जाएंगी इसीलिए। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। एक्चुअली वीडियो मैं जब अपलोड कर रही थी तो 2 दिन लेट ये वीडियो अपलोड हो रही है, क्योंकि मैं 2 दिन से ट्राई कर रही थी, वीडियो ना करप्ट हो जा रही थी, जो मेरा हमेशा की प्रॉब्लम है। सो प्लीज़ मेरे साथ मेरे सपोर्ट में रहिएगा, और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा।